हाँ जी, हम लोग यूपी के बंदे हैं। हम लोग चंडीगढ़ से इतने दूर से आए हुए हैं। देख लो कैसे पुलिस वाले कैसे हालत किया है, और देख लो न किसी के पास खाने का सामान है न किसी के पास, और जो बिस्कुट भरे थे उस वो भी बैग छीन ले गए हैं। और हम लोग बताओ कहाँ जाए, देखो कैसे हालत पड़ी है बेचारों के। और देख लो जी, सब लोगों को देख लो ऐसे। हम लोग न कोई साधन है न कुछ नहीं, और बताओ पास वास सब बना हुआ लेकिन कोई कोई जाने नहीं दे रहा, ना पुलिस वाले सब बॉर्डर पर रोक रहे हैं। और बताओ सब भूखे प्यासे सब लोग ऐसे ऐसे जंगल में बैठे हैं, पानी वानी पीने कोई भी कुछ भी नहीं मिला है। देख लो जी, ये देखो सारी बोतलें खाली पड़े हैं। इसकी तबीयत नहीं सही है, और देखो इसकी भी कैसे हालत पड़ी हुई है। अब बताओ पानी बिना कहाँ जाए। हम लोग यहाँ कोसों मिलो से देख लो कितनी दूर, कहीं गाँव नहीं दिख रहा है। हाँ जी, हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं, पैदल आए हैं जंगल जंगल। बाबू जी कुछ मदद कर दीजिए, हम लोग यूपी बॉर्डर पर है, पुलिस वाले मार रहे हैं, बैग भी छीन ले गए, भूखे प्यासे पड़े हैं, कुछ हेल्प करिए नहीं तो हम लोग यहीं मर जाएंगे, उसके जिम्मेदार होंगे आप लोग। बाद में ये नहीं कहना कि सर जी कुछ मदद कर दियो। भाई देख लीजिए कैसे कैसे सब लोग पड़े हैं। अब इनको बताओ न कहने रहने की जगह है न कुछ नहीं, अब ये लोग कहाँ जाएं भाग के बताओ। अब बताओ निगोहा के हैं, थाना निगोहा लगता है इन लोगों का, जिला लखनऊ। सब लोग इतनी दूर से पैदल चल के हुए आए हैं लेकिन फिर भी कोई सहारा नहीं दे रहा है, और पुलिस वाले को सहारा करो तो वो लोग मारते हैं। स्टेशन पे गए, स्टेशन पे ना ट्रेन मिल रही है ना कुछ नहीं मिल रहा है, पास वास सब भी बना है लेकिन ट्रेन पे अगर स्टेशन पे जाते हैं तो भी डंडा मार के भगाते हैं पुलिस वाले। ठीक है, इनका जल्दी जल्दी कुछ कीजिए नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सब मर जाएंगे ऐसे ही।